हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। द टाइगर बाय विलियम ब्लेक, ये पोएम जिस कलेक्शन से उठाया गया है उस कलेक्शन का नाम है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। इसके पहले हमने जो पोएम डिस्कस की थी वो द लैम थी, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो सेक्शन में जाके चैनल पर देख सकते हैं। बट जो सिमिलैरिटी है दोनों पोएम में वो ये है कि पोएम्स में जो थीम है और जो क्वेश्चनिंग है वो सेम है। क्वेश्चन यही है कि तुम्हें किसने बनाया है, हु मेड यू। जिस तरीके से लैम में एक बच्चा क्वेश्चन करता है उस लैम से, यंग लैम से, छोटा लैम से कि तुम्हें किसने बनाया है, इसी तरीके से टाइगर में भी एक क्वेश्चनिंग है कि तुम्हें किसने बनाया है। आइए देखते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि पोएम में कहना क्या चाहता है पोएट, और किस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप करता है टाइगर से अलग अलग तरीके से। और इसमें थोड़ा सा आखिरी में बात करेंगे हम उसके बारे में एक्स्ट्रा। फिर अभी शुरू करते हैं पोएम को। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो जो पोएट है, स्पीकर है, कहता है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट से मतलब यहाँ पर है जो टाइगर की जो एनर्जी है उसको भी डिनोट करता है, टाइगर का जो पावर है और टाइगर का जो कलर है। जब आप उसे रात में देखेंगे और उस पर हल्की सी भी रोशनी पड़ेगी तो ऐसा लगेगा जैसे फ्लेम जल रहा है, तो उसके लिए उसको यहाँ पर कहा गया है बर्निंग ब्राइट। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आइट कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। तो यहाँ पर स्पीकर पूछता है कि ये जो तुम्हें बनाया है, तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारा स्ट्रक्चर जिसने बनाया है, उसकी हैंड कितने इमॉर्टल होंगे, उसकी आँखें कितनी इमॉर्टल होंगी, यानी कि वो किस तरीके के इमॉर्टल हैंड और इमॉर्टल आइज होंगे जिसने तुम्हें फ्रेम किया है, यानी कि किस तरीके का वो होगा जिसने तुम्हें बनाया है, उसके पास किस तरीके के आँख और हाथ होंगे कि जिसने तुम्हें बनाया है। इन वट डिस्टेंस डीप ऑफ स्काइज बर्न द फायर ऑफ थिन आइज। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम्हारी आँखों में जो ज्वाला दिखती है, ज्वाला से उसका मतलब है कि एक ऐसी चीज़ देखना जैसे कि हम अगर आँख में देखेंगे उससे तो जिससे डर लगे, तो उसको उसने ज्वाला बोला है, आग बोली है। तो तुम्हारी आँखों में जो आग दिखती है वो कहाँ से लाई गई हैं, पूछता है। इन वॉट डिस्टेंस डीप और स्काई, क्या वो ज़मीन के नीचे से लेकर आई गई हैं या आसमान में बहुत ऊंची जगह से कहीं से लेकर आई गई हैं। बर्न द फायर थिन आई, जो तुम्हारी आँखों में, जो छोटी छोटी आँखों में तुम्हारी इतनी आग जल रही है। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। तो वो पोएट पूछता है कि जिसने तुम्हें बनाया है और तुम्हारी आँखों में ये आग डाली है, ये ज्वाला डाली है, तो उसके पास क्या पंख थे जो आसमान में उड़ कर गया और वहाँ से एक आग लाया और तुम्हारी आँखों में डाल दिया, और क्या उसके हाथ में इतनी शक्ति थी कि वो ज़मीन के नीचे खोद कर चला गया और अपने हाथों से फायर को लेकर आया। तो इस तरीके के कुछ अजीब व गरीब क्वेश्चंस हैं, मगर पूछता है पोएट इसमें, स्पीकर इसमें पूछता है। एंड वॉट शुड वॉट सोल्जर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द स्टीव्स ऑफ दाई हार्ट। तो यहाँ पर जो पोएट रहता है वो पूछता है कि किस तरीके का वो सोल्जर होगा, किस तरीके की वो कला होगी। कहने का मतलब है कि किस तरीके के उसकी बाजुओं में दम होगी, किस तरीके के उसके हाथ में कला होगी जिसने तुम्हें बनाया है, किस तरीके से उसने तुम्हारी जो मसल है उसको ट्विस्ट किया होगा, क्योंकि तो उसके उस पावर की बात कर रहा है यहाँ पर कि एंड व्हाट सोल्जर। तो यहाँ पर मतलब पावर की बात कर रहा है कि कितनी पावर होगी उसके हाथों में जिसने तुम्हारे मसल्स को ट्विस्ट किया होगा, और कितना बड़ा कारीगर होगा, कितना बड़ा आर्टिस्ट होगा, एंड व्हाट आर्ट जिसने कि तुम्हारे मसल्स को ट्विस्ट किया होगा और तुम्हारे हार्ट को भी फ्रेम किया होगा, बनाया होगा। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट व्हाट डॉट हैंड व्हाट डॉट फीट। तो जब कहता है कि जब तुम्हें बना दिया गया होगा, तुम्हारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया होगा जिसने तुम्हें बनाया है, तो क्या जिसने तुम्हें बनाया है वो खुद नहीं डर गया होगा, क्या उसके हाथ पैर नहीं कांप गए होंगे जब तुम्हें जिंदा देखा होगा। पहले तो उसने तुम्हें बना दिया है, मगर जब तुम्हें बना दिया गया होगा तो उस तुम्हें बनाने के बाद कुछ उसको डर सा नहीं लगा होगा। इससे मुझे वो याद आ रहा है फ्रैंकस्टीन का, जिसमें वो जो कैरेक्टर रहता है
वो मॉन्स्टर को बनाकर खुद डर जाता है, तो वैसा वैसा कुछ याद आ रहा है। तो आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। पोइट कहता है कि किस तरीके का वो हथौड़ा होगा, किस तरीके की वो चेन होगी। फर्नेस मतलब होता है वहाँ पर जो चैम्बर होता है, फायर चैम्बर, जिसमें कि हम लोग मेटल पिघलाते हैं। तो उसमें पूछता है कि इन व्हाट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, तो किस तरीके के फर्नेस में तुम्हारे दिमाग को बनाया गया होगा, किस तरीके का हथौड़े यूज़ किया गया होगा, किस तरीके का चेन यूज़ किया होगा। व्हाट द एनविल, व्हाट दैट ग्रैस्प। एनविल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग आयरन को शेप देते हैं, और ग्रैस्प जो चिमटा टाइप होता है जिससे हम लोग होल्ड करते हैं किसी जलती हुई चीज़ को। तो इन व्हाट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, व्हाट द एनविल, व्हाट दैट ग्रैस्प, डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैश। तो यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो कि तुम दिखते इतने खतरनाक हो, तो उसको लग रहा है कि इसको किसी ऐसे आदमी ने बनाया होगा जो लोहे का काम करता होगा, लोहार हमारी भाषा में बोले तो ऐसे किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। तो वो पूछता है कि किस हैमर से तुम्हें बनाया, किस चेन से बुने तुम्हें बनाया, और किस फाइनेंस में तुम्हारे ब्रेन को बनाया, किस एनविल का यूज़ किया। तो वही टूल्स के बारे में पूछ रहा है एक्चुअली में वो, कि क्या टूल्स यूज़ हुए तुम्हें बनाने में, तुम्हें बनाते समय किस तरीके के टूल्स यूज़ हुए, और तुम्हें बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ये सब पूछने की कोशिश कर रहा है स्पीकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन देयर टीयर्स। तो अब यहाँ पर जब टाइगर का जो वर्क है, उसके स्ट्रक्चर है, उसका बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो स्पीकर पूछता है कि जब तुम बन चुके रहते हो, तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका रहता है, और जो तारे रहते हैं वो अपने वेपन्स डाल देते हैं और हेवन में से अपनी आंसुओं की वर्षा करते हैं, यानी उसके कंप्लीट होने का टाइम हो गया है, मतलब टाइगर अब बन चुका है, इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, तो जिसने तुम्हें बनाया है क्या वो तुम्हें देख कर वहाँ से स्माइल करता है, कि जब तुम्हें कंप्लीट कर दिया, जिसने तुम्हें बना दिया, तुम्हारे स्ट्रक्चर को बना दिया, तुम्हें बना दिया, तो तुम्हें बनाने के बाद, काम पूरा होने के बाद, क्या वो स्माइल करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछता है, डिड ही हु मेड दी लैम्प मेक दी। तो पूछता है स्पीकर कि डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, तुम्हें भी क्या उसी ने बनाया है जिसने लैम्प को बनाया रहता है। मैंने कहा था आपसे ना आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट पूछता है कि जो लैम्ब है वो एक इनोसेंट क्रिएचर है, मगर टाइगर उतना इनोसेंट क्रिएचर नहीं है। तो यहाँ पर जो थीम है पोएम की, वो आकर देखने को मिलती है कि पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है। पोएट हमें बताना चाह रहा है कि जो लैम्ब है वो कितना मासूम क्रिएचर है, उसको देख कर किसी को डर नहीं लगता, बट टाइगर है उससे सभी डरते हैं। टाइगर यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल को प्रेजेंट कर रहा है जिससे कि सभी डरते हैं। तो इस एक तरीके से स्पीकर हमें ये बताना चाह रहा है कि जो दुनिया है उसमें ईविल और इनोसेंस एक साथ एग्जिस्ट करती है, ये को एग्जिस्टेंस है, तभी हमारी दुनिया चल रही है। तो इस थीम को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना चाह रहा है स्पीकर, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो इनोसेंट चीज़ें हैं और ईविल चीज़ें हैं एक साथ दुनिया में सर्वाइव कर सकती हैं। टाइगर पोएम में जो क्रिएटिविटी दिखाई है स्पीकर ने, और चाहे ब्लेक ने, विलियम ब्लेक ने, पोइट ने, कि उसने बताया है कि कितने क्रिएटिव वे से, कि क्या तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो लोहार है, या फिर तुम्हें किसी तुम्हारी आँखों में जो ये ज्वाला है कहाँ से लाई गई हैं, ये सब बातें जो क्रिएटिव वे से कही गई हैं इस पोएम में, ये एक दर्शाती है कि किस तरीके से पोएम को लिखा गया है। तो यहाँ पर हम पोएम को एंड करते हैं, और होप कि आपको ये पूरी पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।